गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटेक्स क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 9. एंड इन दिस द इंटेक्स क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, सो काइंडली कॉपी दिस क्वेश्चन आंसर इन द नोटबुक चिल्ड्रन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटेक्स क्वेश्चन विच आर अनसॉल्व्ड. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस. सो प्योर सब्सटेंस इज वन दैट कंजिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक जैसे पार्टिकल्स से बनता है और जिसका नेचर सेम है, केमिकल नेचर इज सेम, और इट इज़ गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज टू एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड. तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. लाइक वेन वील टॉक्ड अबाउट गोल्ड, सो गोल्ड इज इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक इट प्योर. नाउ सेकेंड इज लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर चिल्ड्रन. सो होमोजीनियस मिक्सचर इज हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन लाइक सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो उनका टेस्ट सेम रहता है थ्रू आउट. दूसरे एग्जाम्पल दिए हैं कॉपर सल्फेट इन वाटर. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम नहीं है उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड इज हाउ आर सॉल्ट सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सॉल्ट एंड सस्पेंशन आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर चिल्ड्रन, कीप इट इन माइंड. सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सोल्यूशन इज वन इन विच यू कैन नॉट सी द टिंडल इफेक्ट ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स, लाइक सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, दे आर द सोल्यूशन. लाइक सोल्यूशन सॉल्ट कोलाइडल सोल्यूशन एज वेल सस्पेंशन शोज द टिंडल इफेक्ट ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल. एग्जाम्पल फॉर कोलाइडल इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मर्ड, वेरे सस्पेंशन इज चॉक पाउडर एंड वाटर एंड वीट फ्लोर. थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ न्यूमरिकल बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन, यू टू फाइंड आउट बाय मास परसेंट. सो हियर विच एवर इज देयर इन द लार्ज अमाउंट इट इज सॉल्वेंट एंड लो स्लो वेरी लो अमाउंट इट इज सल्यूट. सो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सल्यूट, वेर एज 100 ग्राम इज सॉल्वेंट. सो चिल्ड्रन हियर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. सो वी हैव 36 प्लस 100 दैट इज 136 ग्राम. नाउ फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज फाइंडिंग आउट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, हियर मास ऑफ सॉल्वेंट रिटन, यू टू राइट दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो 36 अपॉन 136 इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 26.4. नाउ नेक्स्ट इज हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर हैविंग डिफरेंस दैट इज मोर देन 25. सो हियर द डायग्राम विच इज गिवन दैट इज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन. इंस्टेड ऑफ एसीटोन यू हैव टू राइट केरोसिन एंड इंस्टेड ऑफ वाटर यू हैव टू राइट पेट्रोल चिल्ड्रन. ओके, so the method which we are using that is simple distillation children, and we are using distillation flask fitted thermometer, and in the distillation flask we are adding kerosene and petrol. So whatever the particular solution which comes out first, that is kerosene, already we have discussed about this method in the note explanation part. So we are using beaker, water condenser and thermometer also measuring the temperature. So kerosene will first come, then we are having petrol which remain in the distillation flask. Now third is what type of mixture is separated by technique of crystallization. Now the particular example is salt as well as fitkari. Now the next is technique which is separate butter from curd, that is centrifugation. Salt from seawater you can write evaporation as well as crystallization. Camphor from salt, that is sublimation children. So that also we have discussed in the explanation part children. Now next question, when we talked about that, again we have repeated that crystallization process. Crystallization is based on the particular pure solid we are getting by the crystallization in the form of crystal. So we are getting salt from seawater as well as fitkari by this method from its impure sample. Next, last question is there based on the physical as well as chemical change. We have learned that physical and chemical change. Physical जहाँ पर नया substance नहीं मिलता है, chemical जहाँ पर मिलता है. तो you can see the particular change classification that already we have discussed in the explanation part. So I have just written the answer, you can go through it. Cutting of 3, physical change, melting of butter, physical change, rusting of almira, chemical change. Boiling of water, that is physical change. So that is all about physical and chemical change children. Try to segregating the things around us which is pure or mixture. So pure substance mein hamare paas water hai, salt hai, sugar hai. Mixture mein hum le sakte hai salt water hai, soil, wood, air, cold drink, rubber, sponge and many of their written. So children copied out in the notebook and
In the next video, we are going to discuss the exercise. Thank you.